पीओपी बैंडेज को रिस्ट के ऊपर में हम अनरोल करेंगे। अनरोलिंग के करने के बाद हम उसको चिकना करेंगे। हेलो माय डियर्स, आज मैं बताने वाला हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे करते हैं और क्या होता है, देखिए ये हमारे पास एक आए हुए, इनका क्या है कि ये रिस्ट ज्वाइंट का फ्रैक्चर है, जिसमें इनका रेडियस और जो कार्पल बोन का बीच का ज्वाइंट होता है वो डिसलोकेट कर गया है। तो उसको हम एक्सरे में देख करके और फाइनल डिसाइड किया है कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दो तरह का होता है, एक होता है प्लास्टर कास्ट होता है और एक होता है स्लैब होता है। स्लैब का मीन होता है कच्चा प्लास्टर और कास्ट का मतलब होता है पक्का प्लास्टर। तो कच्चा प्लास्टर करते हैं कब, दो चार दिन के, मतलब 10 या 14 दिन के लिए करते हैं हम लोग कच्चा प्लास्टर, मतलब वो टेम्पोररी हो गया। और पक्का प्लास्टर का मीन्स हो गया वो लंबे समय के लिए, जैसे कि 14 से 21 दिन, कभी कभी उसको एक आध महीना तक भी रखते हैं पक्का प्लास्टर को। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग में हम लोग कच्चे प्लास्टर या पक्का प्लास्टर को चूज करते हैं। ऐसे डॉक्टर पहले कच्चा प्लास्टर करता है, अगर उसमें कंडीशन ठीक हो गया तो पक्के प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कच्चे प्लास्टर से ठीक नहीं होता है तब अंतिम में पक्का प्लास्टर करना पड़ता है। अब जब उससे भी ठीक नहीं होता तब अंतिम में नेलिंग प्लेटिंग, यानी कि बोन के अंदर में रॉड डालना या प्लेट डालना, वो सब किया जाता है। तो आज हम लोग करके दिखाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले करने के पहले साफ सारा इन्फॉर्मेशन पेशेंट को या अटेंडेंट को बोल देना चाहिए कि आपके हाथ के ऊपर में हम ये सारी प्रोसेस को करने जा रहे हैं। और इसके रिलेटेड जितना भी, जैसे एक लगेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, देखिए एक ये बैंडेज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपको लगेगा, और इसमें कॉटन लगेगा, रोल कॉटन, क्योंकि इसके ऊपर में ही लपेटेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली लपेटने से पेशेंट को रेडिएशन फील होगा और जलन भी फील होगा, इसलिए हम कभी पीओपी बैंडेज को भिंगोने के बाद हम स्किन पर नहीं लपेटते हैं, पहले कॉटन पर लपेटेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन को हम पेशेंट को बता देंगे और सभी इक्विपमेंट्स को जमा कर लेंगे। जैसे हो गया ग्लव्स को पहन के जब हम लोग करेंगे तो हाथ गंदा नहीं होगा। इसके अलावा एक सीजर होना ज़रूरी है और एक गमला पानी, जिसमें कि हम लोग पीओपी बैंडेज को जमा डुबा करके करेंगे प्रोसेस को। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रोसेस को पूरा करेंगे। देखिए इनका रिस्ट ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, यानी रिस्ट कलाई का ज्वाइंट इनका डिस्प्लेस हो चुका है, जिसमें एक्सरे में देखे हैं तो उनका प्रॉब्लम है। तो इसमें हाथ को बराबर साइज में करके और हाथ को सपोर्ट करते हुए, ताकि टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, इनका हाथ टेढ़ा ही जुट जाएगा। तो हमें प्रयास करना है कि इसका हाथ को एग्जैक्ट पोजिशन में डाल करके और उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, इस जो कॉटन रोल होगा उसके ऊपर लपेटेंगे और कॉटन रोल को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। देखिए किस तरह से, इसके बाद पीओपी बैंडेज को हम गमला में पानी में भिगाएंगे और कुछ देर तक इसमें छोड़ देंगे, जब तक इससे बुलबुला निकलना बंद ना हो जाए। जब बुलबुला निकलना बंद हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा पानी से बाहर निकालेंगे और निकाल के उसके बाद थोड़ा सा निचोड़ेंगे, ताकि उसमें जो भी कुछ मटेरियल रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और सब जम जाएगा। अधिक ज़ोर से नहीं निचोड़ना है, नहीं तो उसमें जो जिप्सम रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होता है। और इसका जो छोर होगा ना, उस छोर को हम निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद में हम इसके ऊपर से लपेटना स्टार्ट करेंगे। लपेटते वक्त ध्यान रहे कि जो कॉटन है वह कॉटन बाहर की ओर रहे और ये जो बैंडेज है ये बाहर ना हो, वह अंदर ही रहे। तो अधिक टाइटली भी नहीं लपेटेंगे, अधिक लूज भी नहीं लपेटेंगे। जब लपेटना पूरा हो जाए तो इसके ऊपर से हाथ चला करके इसको चिकना कर देंगे, ताकि देखने में यह काफ़ी अच्छा लगे और चिकना लगे देखने में। और जो भी बाहर की ओर बढ़ चुका है उसको हम रुई को, कॉटन को हम बाहर की ओर से मोड़ देंगे, ताकि वह अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से कुछ इस तरह से अनरोलिंग कर देंगे, इसके ऊपर में हाथ चला देंगे, इससे पूरा चिकना हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो भी, अगर सूख गया अधिक हो तो हम इसके ऊपर पानी भी हल्का हल्का दे करके चिकना कर सकते हैं फॉर द बेटर लुकिंग।
और साइड साइड में जो कुछ भी बाहर निकल गया हो, जो भी गंदा दिख रहा हो बाहर वाइट वाइट टाइप का, उसको हम पानी से साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है आपका पीओपी बैंडेज का प्रोसेस, इसको हमने बताया है ए टू जेड। और देखिएगा इसमें ऐसा करके आप भी सीख सकते हैं, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैंने आज बताया है पीओपी बैंडेज के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, मैं बिल्कुल क्लियर भाषा में बताया हूँ। और भी जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।